लेकिन इतनी गूढ़ विचार, इतना गूढ़ चिंतन करने का मन नहीं होता, और अगर कोई कहे भी तो सिर दर्द होने लगता है, कहां तक करेंगे। कभी कभी जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं, इन चीजों पर विचार नहीं करना चाहते। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके सूर्य की सत्ता का तिरस्कार कर दे, कोई कहे कि हम आंख बंद कर लिए, हमको सूर्य दिख नहीं रहा, इसलिए सूर्य है नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं। तो तुम्हारे आंख बंद कर लेने से, सूर्य की सत्ता के तिरस्कार से सूर्य का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा, अभी तो तुम्हारी आंखों के सामने अंधकार जरूर हो जाएगा, उस प्रकाश से तुम वंचित रह जाओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इन सारे विविध प्रश्नों का ही समाधान है, जिससे हम अपने जीवन में समाधान को प्राप्त कर ले। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ये कथा सुनाते हैं। शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप कृपा करके मुझे ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों के लिए रसायन बन जाए, कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर ये कथा हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति की वृद्धि करे और माया मोह की निवृत्ति हो। माया मोह निराशश्च, माया मोह का निराश हो और जीव का जो परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, वो लक्ष्य हमें मिल जाए, हमें गोविंद मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ये प्रश्न जब किया शौनक जी ने तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी उत्तर देते। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे सिद्धांत का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद, उपनिषद, सारे दर्शन और अन्यान्य स्मृतियां, समस्त ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसका सार अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी ने कितनी कृपा की, उन सारे ग्रंथों को आप पढ़ते और पढ़ करके तब उसका सार समझते, कितनी कठिनाई होती। व्यास जी ने कहा, चिंता मत करो, हम साफ पढ़ करके मंथन करके सार निकाल करके दे देते, इतना तो ग्रहण कर लो, प्राणी उतना भी नहीं ग्रहण कर पा। नहीं तो वेद पढ़कर, वेदांत पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, संहिताओं को पढ़कर, स्मृतियों को पढ़कर, उनके परस्पर विरुद्ध वाक्यों का समाधान करके बुद्धि के द्वारा, विवेचना के द्वारा तब किसी निष्कर्ष को प्राप्त कर पाते। वो निष्कर्ष वेद व्यास ने अपने विचार की मथानी से मथकर नवनीत के रूप में, मक्खन के रूप में निकालकर श्रीमद् भागवत महापुराण दिया कि इसे सुन लो, इतना ही समझ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसी को उतार लो जीवन में। सारे शास्त्रों का सार है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का निस्पंदन विप्रुट है। निस्पंदन विप्रुट मतलब जैसे सारे सिद्धांत को एक बहुत बड़ी चलनी में, किसी बहुत बड़ी छन्नी में सारे सिद्धांत को डाल करके, फिर उसे मंथन करके, जल से सिक्त करके, फिर उसे छानो, तो उसका सार जो है उस छन्नी से छनकर टपके बूंद बूंद, उस सार को ग्रहण कर लो, इसी का नाम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। सारे सिद्धांतों को, वेद वेदांत दर्शनादि शास्त्रों को,
वेद व्यास जी ने मत कर उसे गार कर उसका जो रस निस्पंदन हुआ वही रस निस्पंदन विप्रुट के रूप में, बूंद के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत निष्पन्न ये भागवत है। इसका फल क्या है? बोले इस बूंद को, इस रस को हम पी लें इसका लाभ क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं संसार भयनाशनम, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय। भागवत सुनने का फल क्या है बताओ? आप बोलो संसार भय नाशनम, संसार का भय नष्ट हो, ये भागवत सुनने का फल है।